मैं आपको एक बिहारी जी की घटना सुनाऊं, सत्य घटना है। दिल्ली के ही वो भक्त थे, डॉक्टर थे, अब नहीं है वो, पूज्य बड़े गुरुदेव के शिष्य थे। दर्शन लाल मल्होत्रा, ये सत्य घटना है। लोगों की उनमें बहुत निष्ठा थी, बहुत विश्वास था, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन बिहारी जी के भी परम भक्त। जब समय मिलता था, अपने कार्य से छुट्टी मिलती थी, तो और कहीं न जाकर के वो श्री वृंदावन की यात्रा ही करते थे। केवल उनके मन में एक ही बात होती थी कि मैं बिहारी जी का दर्शन करूं, बस, और कहीं नहीं जाते थे। जब समय मिला, रविवार का दिन हुआ या कोई और दिन हुआ, जब भी टाइम मिला, बस वृंदावन भाग करके जाते थे और बिहारी जी का दर्शन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको बुखार आया, अब बुखार तो एक स्वाभाविक बात है, बुखार तो आता है, उतर जाता है, लेकिन बुखार ऐसा कि बुखार में बहुत हालत खराब हो गई, दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत गिरने लगी, बुखार भी नहीं उतरा। जब जांच कराई तो उनके पेट में, क्योंकि दर्द भी था, कैंसर निकला। लेकिन घबराए नहीं वो, क्योंकि बिहारी जी के चरणों में पूर्ण विश्वास था। मैं कहा करता हूं कि तुम संसार में थोड़ा टेढ़े चलने चाहो तो चल सकते हो, क्योंकि संसार तो टेढ़ा है ही, क्योंकि व्यवहार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, लेकिन एक द्वार ऐसा है, वो परमात्मा का, प्रभु का। जैसे आपने देखा हो सर्प को, सांप जब चलता है तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जब अपने बिल में अंदर प्रवेश करता है तो एकदम सीधा जाता है, वहां टेढ़ा नहीं चलता है। तो संसार में, व्यवहार में कभी कभी व्यक्ति को टेढ़ा चलना पड़ता है, उतार चढ़ाव जीवन में व्यक्ति के आते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि प्रभु के द्वार पर जाओ, प्रभु की शरणागत हो जाओ, तो प्रभु के द्वार पर कभी टेढ़े मत चलना। इनकी, क्योंकि बाकी बिहारी तो कहते मैं स्वयं टेढ़ा हूँ, मेरे से ज़्यादा कौन टेढ़ा है, मैं अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर देता हूँ, मेरे से ज़्यादा टेढ़ा कौन है, सोचो। तो प्रभु के द्वार पर हम कभी टेढ़े बनकर के न जाएं, हम प्रभु के द्वार पर जाएं तो प्रभु के द्वार पर बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव से हम जितना प्रभु के चरणों में जाकर के शरणागत होंगे, उतना जल्दी उनकी कृपा के हम पात्र बन जाएंगे, क्योंकि बिहारी जी को सरलता ही प्रिय है, कठिनता प्रिय नहीं है। दर्शन लाल मल्होत्रा डॉक्टर को विश्वास था बिहारी जी पर। उन्होंने पत्नी को कहा अपनी कि देख, जब मुझे कैंसर हो ही गया है तो अब तो कुछ दिन का समय मेरे पास है, तो अब मैं वृंदावन चल करके ही रहूंगा, कम से कम अंतिम समय मेरा शरीर वृंदावन में तो छूटे। जब ये रोग लग ही गया है मुझे, अब इससे छुटकारा तो मिलने वाला है नहीं। अब किसी को कैंसर हो जाए तो भाई फिर तो समझो अंतिम समय ही, और बात भी पुरानी है।
वो वृंदावन में आए पत्नी के सहित, और वृंदावन में आकर के जो पूज्य बड़े गुरुदेव के द्वारा उनको मंत्र दिया गया था, बस बिहारी जी के मंदिर में जाते एकांत में जाकर के बस बिहारी जी का ध्यान करते हुए बिहारी जी का नाम जप करते थे कि प्रभु आपको जो करना है सो करो, मैं तो आपके चरणों में उपस्थित हो चुका हूं। सच मानना, 20 दिन हुए, 20 दिन हुए दर्शन लाल मल्होत्रा को वृंदावन में, और धीरे धीरे जैसे जैसे बिहारी जी का दर्शन करते थे, नाम जप करते थे, धीरे धीरे उनको अपनी हालत में सुधार दिखाई देने लगा। उनको लगा कि मुझे कुछ अंदर से अच्छा लग रहा है, तो ऐसे अंदर से एक प्रेरणा उनको बिहारी जी की हुई कि अब तुम जाकर के पुनः दिल्ली में थोड़ा जांच कराओ। बिहारी जी को प्रणाम करके 20 दिन के बाद जब वो वृंदावन से दिल्ली आए और पुनः उन्होंने जब जांच कराई तो उनके अंदर कैंसर था ही नहीं, वो रोग ही ठीक हो गया। वो जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे कुछ नहीं दिखाई दिया, बिहारी जी महाराज की कृपा से कहने का मेरा इतना सा आपके चरण में, बिहारी जी के चरण कमल में यही प्रार्थना है कि हमारा बिहारी जी में जब विश्वास हो तो उनका प्रत्यक्ष हमको अनुभव होता है। विश्वासो फलदायक, विश्वासो फलदायक।